दोस्तों, आप सभी का जीनत फिल्म चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर कोलकाता में हूँ। दरअसल मैं यहाँ रात को आया था तो पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, क्योंकि 2024 का नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और यहाँ सैकड़ों दुर्गा देवी के पंडाल सजे हुए हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने आज तक दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा है। बहुत मज़ा आ रहा है यार दोस्तों। ये कोलकाता का सेंट्रल पार्ट धर्मतला है, ये न्यू मार्केट है और यहाँ जगह जगह दुर्गा देवी के पंडाल सजे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। धर्मतला से आप कोलकाता के हर कोने तक जा सकते हैं। ये कोलकाता की टिपिकल टैक्सी है और इसके जरिए हम बहुत ही मशहूर स्पॉट इको पार्क जा रहे हैं। इस इको पार्क के गेट नंबर 4 पे ये मशहूर मिठाई की दुकान है, आप इसका स्वाद ले सकते हैं। इको पार्क का एक मैप है जिसकी लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। ये जूलॉजिकल गार्डन है, यहाँ बहुत सारे पक्षी, फिर जिराफ जैसे प्राणी और जेब्रा जैसे प्राणी पाए जाते हैं और ये बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क में वर्ल्ड के 7 वंडर के प्रतिकृतियाँ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ताजमहल है, जॉर्डन का पेट्रा, इको पार्क में बहुत सारे गार्डन्स हैं और यहाँ पैदल चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल बस भी जो आपको सफ़र करा सकती है। यहाँ ये बहुत सारे प्रकार के पेड़ हैं और यहाँ एक खूबसूरत लेक भी है जहाँ हम बोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी विश्व बांग्ला गेट के पास हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत गेट है और वो जो चक्कर दिख रहा है उसमें आप बुकिंग करके आपका लंच कर सकते हैं। ये दिन में धर्मतला ऐसा दिखता है। ये धर्मतला का एस्प्लेनेड चौक है और एस्प्लेनेड एक मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, बहुत ही विशाल है। यहाँ से कोलकाता के हर कोने में हम जा सकते हैं। अब हम कालीघाट, जो दुर्गा माता का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हम मेट्रो से वहाँ जाएंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये कालीघाट मंदिर का शिखर है। यहाँ दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ उसके बाहर बहुत सारी दुकानें हैं। ये हम फिर से धर्मतला आए। यहाँ उसके बाजू में एक न्यू मार्केट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है वो, और यहाँ कपड़े, ज्वेलरी, मिठाई जैसे बहुत सारे दुकानें हैं। यहाँ दिल खोल के हम शॉपिंग कर सकते हैं। दुर्गा देवी के ये पंडाल तो आपको हर जगह दिखेंगे, ऐसे हजारों पंडाल कोलकाता में आपको दिखाई देंगे इस वक्त। दोस्तों, इस वक्त हम कोलकाता का मशहूर क्रिकेट ग्राउंड ईडन गार्डन में मौजूद हैं। अगर इस शहर का इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन काल में यहाँ मौर्यन साम्राज्य ने राज्य किया है। उसके बाद गुप्ता अम्पायर आ गया और कुछ सालों बाद गुप्ता अम्पायर सैकड़ों हिंदू किंगडम्स में बढ़ गया।
फिर दौर शुरू हुआ बहुत सारे हिंदू राजाओं का। फिर 16वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ मुगल आए और उन्होंने बंगाल समेत पूरे इंडिया पे एक क्षत्रिय राज किया। तकरीबन 150 साल राज करने के बाद जब मुगल सम्राट औरंगजेब 1707 में मर गया, उस वक्त ये मुगल साम्राज्य सैकड़ों नवाबी रियासतों में बढ़ गया और उसमें से एक नवाबी रियासत इस बंगाल में आई। उनको 40-45 साल ही हुए थे राज करते, तो वहाँ ब्रिटिशरों की एंट्री हो गई और सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में इन नवाबों को हराकर ब्रिटिशरों ने बंगाल पे कब्जा किया और यहीं से उन्होंने अगले 190 साल पूरे भारतवर्ष पे राज किया है और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का जो आंदोलन चालू हुआ था वो इसी बंगाल से चालू हुआ। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हावड़ा ब्रिज है, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है कोलकाता का, जो हुगली नदी के ऊपर है और जो हावड़ा और कलकत्ता इन दोनों शहरों को डिवाइड करता है, ज्वाइन करता है। बहुत विशाल हावड़ा ब्रिज है। दोस्तों, हम अब विक्टोरिया मेमोरियल जाने वाले हैं। ये ब्रिटिश काल में कंस्ट्रक्ट होकर रेडी था। ये बहुत बहुत अद्भुत है और ये पूरा मार्बल से बनाया हुआ है और यहाँ एक खूबसूरत लेक भी है और साथ ही बहुत विशाल गार्डन्स भी है। दोस्तों, आज कोलकाता में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए हम ज़रा ठंड का मज़ा लेने को एक मॉल में जाते हैं। दोस्तों, अब शाम के 4 बज रहे हैं और हम दक्षिणेश्वर काली टेंपल जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी शाम के 5 बजे हैं। मैं प्रसिद्ध बेलूर मठ को जा रहा हूं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर टेंपल से अब हम फेरी के जरिए बेलूर मठ जा रहे हैं, जो हुगली नदी के दूसरे किनारे पर बसा हुआ है और ये मठ रामकृष्ण परमहंस जी से जुड़ा हुआ है। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। अभी मैं बेलूर मठ के अंदर जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, जहां पर मेरी सहयोगी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था और बाद में उसका मर्डर हुआ था और सारे डॉक्टर उसके लिए इंसाफ का मांग कर रहे हैं और मैं भी उनके दुख में शामिल हूं। बिहार का ना? अच्छा। कोलकाता का एक और लैंडमार्क इंडियन म्यूजियम जो पार्क स्ट्रीट पर बसा हुआ है, यहाँ
बौद्ध काल से लेकर आज तक के बहुत सारे चीजें इस म्यूजियम में रखी गई है। खास तौर पर ये बच्चों को बहुत प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, मैं बराकपुर कोलकाता में हूँ। ये वही लश्करी छावनी है ब्रिटिशकालीन, जिसमें 1857 के क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को फांसी की शिक्षा हुई थी। यहाँ पर एनफील्ड राइफल की बुलेट बनती थी, जो 1857 की चिंगारी बन गई। ये बिल्डिंग आज बहुत ही जर्जर अवस्था में है। दोस्तों, अब ये मेरा घर लौटने का समय हो गया है। तकरीबन 3 दिन मैं कोलकाता में था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ बहुत सारे और चीज़ें देखने की है, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं था। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। मुझे आशा है आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।